नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के दो बागी विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर बीएसपी के बहुत वरिष्ठ नेता थे और कई बार के विधायक रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीएसपी से, और अंबेडकर नगर जिले में इन दोनों नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं, राम अचल राजभर राजभर समुदाय से हैं, और ये दोनों ही नेता 2017 में बीजेपी लहर के बावजूद भी अपनी सीट से चुनाव जीतकर आए थे। और माना यह जा रहा है कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के जरिए अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर नगर के आने वाले ये दोनों नेता खास तौर पर अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बस्ती जैसे जिलों में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, क्योंकि 3 जून को मायावती ने लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर निकाल दिया था पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण। 3 जून के बाद इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार लालजी वर्मा और राम अचल राजभर किस पार्टी में जाएंगे। काफी चर्चाएं थी कि दोनों नेता बीजेपी में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं और सपा में भी जा सकते हैं, लेकिन 3 जून को निष्कासन के बाद इन दोनों नेताओं ने एक दो महीने बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। दरअसल लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों के जरिए अखिलेश यादव पूर्वांचल और अवध के सियासी गणित को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अवध का अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर और बस्ती जैसे जिलों में जो कुर्मी राजभर वोट है उसको अपने साथ लाने की यह कोशिश अखिलेश की दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पूर्वांचल में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ ऐसे जिलों में भी कुर्मी और राजभर वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है, क्योंकि पूर्वांचल का गणित कुछ इस तरह का है। जातीय आधार पर अगर हम देखें, वो कभी सपा के पक्ष में रहता था, कभी बीएसपी के पक्ष में रहता था, और फिलहाल 2017, 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहा, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव पूर्वांचल को पूरी तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, दूसरी तरफ जनवादी पार्टी के संजय चौहान के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, और अब दो बड़े ओबीसी नेताओं को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने नया नारा भी दिया, महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा, और अखिलेश यादव की अंबेडकर नगर रैली में सिलेंडर के बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ में ये नारे लिखे हुए थे। इसके साथ ही साथ अपने रैली के संबोधन के अंत में अखिलेश यादव ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक और नया नारा दिया, पिछड़ों का इंकलाब, अब की बार बदलाव होगा। इस तरह के नारे देकर ओबीसी वोट बैंक पर पूरी तरह से अपनी निगाहें इस वक्त अखिलेश यादव ने गड़ाई हुई है। अब देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता का रुख किस तरफ जाता है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे केंद्र और यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर तमाम नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात ही क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी ने भी निषाद पार्टी से गठबंधन कर रखा है जो कि ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल से गठबंधन कर रखा है जो कि कुर्मी बिरादरी की पॉलिटिक्स करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जातीय समीकरण का पूरा खेल चल रहा है वो किसके पक्ष में जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।